लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुर्योधन किस अधिकार से धृतराष्ट्र को रोक सकता है? और यदि धृतराष्ट्र निर्णय लेना ही चाहे तो दुर्योधन इसमें कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। यदि ऐसा होगा तो सचमुच बहुत अच्छा होगा तापसी, किंतु मुझे नहीं लगता कि महाराज धृतराष्ट्र ऐसा करने की कोई इच्छा रखते हैं। धृतराष्ट्र को पांडवों का अधिकार, उसके लिए मैं उन्हें बाध्य करूंगा। और तुम उन्हें समझाओ, आज हमारे अपने अधिकार में तुम्हारे और हमारे सहयोग के पांडवों को उनका अधिकार दिलाना होगा। इसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। अधिकार देने का समस्त निर्णय महाराज की अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मैं हस्तनाप और मेरे होते हुए पांडवों को कोई क्षति नहीं होगी। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया दासी, क्योंकि जब भी भाभी श्री कुंती और उनके पुत्रों को अपने समक्ष पाता हूं तो मुझे लगता है कि उनके साथ हो रहे अन्याय में मैं भी भागी हूं। नहीं, तुम ऐसा पांडु पुत्रों के शौर्य पर विश्वास, वे अपना अधिकार अवश्य और ईश्वर न करे कि उन्हें अपने अधिकारों के संघर्ष करना पड़े। पांडवों को किसी भी प्रकार के संघर्ष में पराजित कर पाना असंभव है तासजी, आचार्य द्रोण का भी यही कथन है। विदुर, यदि राजकुमारों की दीक्षा संपन्न हो गई हो तो क्यों नहीं रंगभूमि में उनके शौर्य का प्रदर्शन आयोजित किया जाए। आपकी इच्छा बहुत भली है पितामह, क्योंकि इस प्रतियोगिता से यह भी ज्ञात हो जाएगा कि हस्तिनापुर किन राजकुमारों के अधीन अधिक सुरक्षित रहेगा। पैछरी, प्रणाम तातश्री। तुम्हारी कामना पूर्ण हो पुत्रवधु। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम भाभीश्री। पुत्रवधु, अभी हम तुम्हारे ही पुत्रों के विषय में चर्चा कर रहे थे। कैसी चर्चा पितामह? पुत्री, हम चाहते हैं कि रंगभूमि का आयोजन हो जिसमें सभी कुरु राजकुमार अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन करें। क्षमा करें दादाजी, किंतु मैं ऐसे किसी भी प्रदर्शन के आयोजन के पक्ष में नहीं हूं। क्यों भाभीश्री? आप सब तो जानते हैं दुर्योधन का मेरे पुत्रों के प्रति ईर्ष्या भाव है, और यदि इस प्रतियोगिता में उसकी पराजय हो गई तो ये ईर्ष्या भाव वैर भाव में बदल जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसी किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो क्या दुर्योधन के वैर भाव से बचने के लिए तुम अपने पुत्रों के शौर्य को नष्ट कर दोगे? रंगभूमि का आयोजन होने दो और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चिंत। आप प्रतियोगिता के आयोजन की बात कह रहे हैं, किंतु क्या महाराज धृतराष्ट्र इसकी स्वीकृति देंगे? धृतराष्ट्र को रंगभूमि के आयोजन की स्वीकृति देनी, इसके लिए हम उनसे बहुत देर से मौन हो गांधारी, बात क्या है? कुछ नहीं स्वामी, कहने योग्य कुछ है ही नहीं। सच पूछा जाए तो हमारे पास भी कहने योग्य कुछ विशेष नहीं है।
हाँ कभी कभी पांडु पुत्रों का मन में विचार अवश्य आता है, परंतु आप उस विषय पर मौन ही रहना चाहते हैं, ये उचित नहीं है स्वामी। आपको कुंती की दशा से कोई सहानुभूति नहीं? बेचारी कब तक यूं ही आशा लिए बैठी रहेगी? हम कुंती पुत्रों को उनका अधिकार अवश्य देना पड़ेगा, उचित अवसर की प्रतीक्षा में है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और मेरे साथ अन्याय करते रहेंगे आप? पुत्र दुर्योधन आओ आओ। आप किसे अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे पिताश्री? पांडवों के अधिकार की बात हो रही है पुत्र। नहीं माताश्री, ये अधिकारों की बात नहीं हो रही, ये अन्याय की बात हो रही है। बच्चे मेरे अधिकार छीन कर पांडवों को दे देना, क्या ये अन्याय नहीं? ये घोर अन्याय है पिताश्री। उस दिन की प्रतीक्षा करना कि कब मुझे पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले, मैं उन्हें नीचा दिखा सकूं। महाराज की जय हो। भीष्म पितामह और महामंत्री विदुर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित भेज दो। जो आज्ञा। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव। बैठिए महाराज। महाराज, गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। हमारे सभी राजकुमार उनकी शस्त्र शिक्षा से लाभान्वित हुए हैं। आज पूरे आर्यावर्त में हमारे राजकुमारों से शौर्य कला में प्रतियोगिता करके कोई योद्धा विजयी नहीं हो सकता। आप उचित कह रहे हैं ताश्री। गांधार नरेश शकुनी कह रहे थे कि पुत्र दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत प्रवीण हो चुका है। सचमुच गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा सफल रही। तो क्यों ना राजकुमारों की परीक्षा के लिए रंग भूमि का आयोजन करें महाराज, जिससे राजकुल के साथ साथ हस्तिनापुर का समस्त समाज अपने राजकुमारों के शौर्य का आनंद उठाए। आचार्य द्रोण की भी यही इच्छा है कि उनसे शिक्षा प्राप्त कौरव पांडव राजकुमारों का शस्त्र परीक्षण प्रजाजनों की उपस्थिति में ही। इससे राजकुमारों की शक्ति और योग्यता का प्रदर्शन भी हो जाएगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और प्रजा भी प्रसन्न होगी। ताश्री, आपका और भ्राता विदुर का सोचना उचित है। गांधारी जी महाराज, ताश्री के इस विचार के संबंध में तुम क्या सोचती हो? ताजश्री के विचार अति उत्तम है स्वामी, मैं ताजश्री के विचारों से सहमत हूं। कितना अच्छा होगा जब हमारे पुत्र शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तुम क्या कहते हो पुत्र दुर्योधन? महाराज धृतराष्ट्र, रंग भूमि के आयोजन का निर्णय आप स्वयं ही लें। आप उचित कह रहे हैं ताश्री, मैंने तो बस यू ही पूछ लिया। पुत्र दुर्योधन को भी तो रंगभूमि में अपना कौशल दिखाना है। आपका निर्णय सर्वोचित है ताश्री। रंगभूमि का आयोजन अवश्य करना चाहिए। मुझे तो उसी दिन की प्रतीक्षा है कि कब मैं रंगभूमि में अपने गदा का चमत्कार दिखाऊं। तुम कहते हो पुत्र, तो मैं रंगभूमि के आयोजन की आज्ञा देता हूं। विदुर, रंगभूमि के आयोजन का समुचित प्रबंध तुम पर है। जी महाराज। मित्र, हस्तिनापुर राज्य ने रंगभूमि का आयोजन किया है, जहां योग्य योद्धा
अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। किंतु हस्तिनापुर राज्य की रंगभूमि में मेरी क्या आवश्यकता मित्र? मैं भला राज्य के खेलों में सम्मिलित होने का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? कौन कहता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? तुम अधिकारी हो। हस्तिनापुर राज्य के राजकुमार के मित्र होने के नाते तुम हस्तिनापुर के किसी भी उत्सव में सम्मिलित हो सकते हो। नहीं मित्र, यह प्रतियोगिता राज्य के राजकुमारों और श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए है। सारथी अधीरथ पुत्र इस प्रतियोगिता में एक दर्शक बनकर सम्मिलित नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें दर्शक बनकर सम्मिलित होने के लिए कह ही नहीं रहा हूं मित्र, अपितु एक प्रतियोगी बनकर सम्मिलित होने के लिए कह रहा हूं, जिसका निमंत्रण मैं तुम्हें स्वयं देने आया। मैं तुम्हारी मित्रता और भावना का आदर करता हूं, किंतु हस्तिनापुर के श्रेष्ठ जन ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। मित्र, तुम्हें राजकुमार के निमंत्रण पर आपत्ति है? मैं तो कहता हूं मित्र, इस अवसर का लाभ उठाओ और अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता समस्त समाज के सामने सिद्ध कर दो और बता दो कि तुम क्या हो। मित्र, अर्जुन के श्रेष्ठता को चुनौती देकर तुम द्रोणाचार्य के अभिमान को खंडित कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि ऐसा अवसर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मित्र। मैं अपने जीवन के प्रति इतना उतावला और निराश नहीं हूं मित्र। यदि हस्तिनापुर में रहा तो रंगभूमि ना सही, कहीं ना कहीं तो द्रोण शिष्य अर्जुन मेरे समक्ष आएगा। मित्र, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम रंगभूमि में तनु कौशल का प्रदर्शन करो और अपने इस मित्र के मन को शांति पहुंचाओ। मित्र, शांति, क्या यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है? नहीं, मैं जानता हूं कि यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, परंतु मेरा तुमसे यही आग्रह है मित्र। समाज और समय की गति बड़ी विचित्र है, इसे समझने का प्रयास करो, प्रयत्न करो मित्र। मैं रंगभूमि में तुम्हारा स्वागत करूंगा मित्र। मैं जानता हूं मित्र की आचार्य द्रोण और कर्माचार्य परंपरा और सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मुझे अपमानित करने और रंगभूमि में भाग लेने से रोकने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, किंतु मैं तुम्हारे लिए यह अपमान सहन करने के लिए भी प्रस्तुत हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं रंगभूमि में अवश्य आऊंगा। जय हो। द्वारिकाधीश महाराज कृष्ण आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। केशव आए हैं, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जो आ गया। बुआ श्री। प्रणाम बुआ श्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे याद किया, कोई विशेष कारण? हाँ केशव, आओ बैठो। क्या बात है बोश्री, आपको चिंतित दिखाई दे रही? हाँ केशव, अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता ने मुझे घेर रखा है। बुआ श्री, ऐसे प्रतापी पुत्रों की माता होकर भी आप चिंतित हैं? आपको भरोसा रखना चाहिए कि आपके पुत्र अपना भविष्य उज्जवल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो तो है, किंतु दुर्योधन और कर्ण की मैत्री ने मेरे मन को उद्विग्न कर रखा है। क्यों बुआ श्री, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता से आपको क्या चिंता है? सब कुछ जानते हुए भी
ये कैसा प्रश्न है केशव? तुम्हें तो मेरे और कर्ण के रहस्य का ज्ञान है। ज्ञान है वो अश्रु, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि आपको उन दोनों की मित्रता से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो आपके कर्ण के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत? ये कैसा शुभ संकेत है केशव? दुर्योधन निरंतर कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता बढ़ा रहा है, और अब तो अर्जुन भी उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है। और तुम कहते हो कि मैं चिंता ना करूं? वो अश्री, आपके चिंतित होने से कोई हल नहीं निकलेगा। कर्ण और अर्जुन की इस प्रतियोगिता के बहाने कर्ण एक प्रतापी वीर के रूप में सामने आएगा। क्या यह कर्ण के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा? क्या कर्ण के सम्मानित होने से आपको प्रसन्नता नहीं होगी? होगी ना वो अश्री। यदि कर्ण को सम्मान मिलेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु इस सम्मान में भी दुर्योधन का हाथ होगा, और दुर्योधन अस्त्र की भांति कर्ण को मेरे पुत्रों के विरुद्ध प्रयोग करेगा। मैं क्या करूं केशव? वो अश्री, यदि आप कहें तो मैं कर्ण को सत्य के बारे में